आम का सीजन आते ही रंग बिरंगी रेसिपीज बनाने का जो मजा आता है ना, वो किसी सीजन में नहीं आता। और चूंकि ये आम फलों का राजा है, तो इसके साथ जितनी रेसिपीज बनाई जाए वो कम है। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाजिया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाजिया में। आज हम बनाएंगे आम की दो रेसिपीज जो है बहुत ही जबरदस्त। एक है आमरस की रेसिपी और एक है अमरखंड। श्रीखंड को जब हम मैंगो फ्लेवर में बनाते हैं तो उसको कहते हैं अमरखंड। तो हम बनाएंगे आज श्रीखंड मैंगो फ्लेवर में। जबरदस्त रेसिपी है, बहुत ही मजा आने वाला है और आपको भी बनाकर बहुत मजा आएगा। बहुत ही आसान रेसिपीज हैं लेकिन इनका टेस्ट बिल्कुल अलग है। आप एक दफा जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे इसका फीडबैक जरूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक मिलती रहेगी। और यस, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही मजेदार रेसिपी है, वो भी इसका फुल मजा ले सके। चलिए तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। इन रेसिपीज को बनाने के लिए हमें चाहिए मैंगो पल्प। हमारे घर में अक्सर आम आते हैं और सब एक साथ पकने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका सबका पल्प निकाल करके एक साथ एक बड़े बॉक्स में करके फ्रिज में रख लेते हैं। क्योंकि हम इतने सारे आम एक साथ तो नहीं खा सकते, लेकिन अगर पल्प निकला हुआ होगा तो हमारे खाने के साथ साथ हम उसके काफ़ी सारी वैरायटीज बना सकते हैं, काफ़ी सारी रेसिपीज बना सकते हैं। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाया कीजिए। मैंगो का पल्प ज़्यादा पक जाए आम तो निकाल करके एक कंटेनर में करके रख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने सारे मैंगो का पल्प निकाल लिया है। अब इसमें से हम आधे मैंगोज का बनाएंगे आमरस की रेसिपी और आधे मैंगोज का बनाएंगे हम श्रीखंड की रेसिपी मैंगो फ्लेवर में। दोनों ही रेसिपीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, लेकिन लाजवाब होती हैं टेस्ट में। आप एक बार बनाएंगे इसको बार बार बनाएंगे। अब जो हम आमरस की रेसिपी बना रहे हैं वो है गुजरात की फेमस रेसिपी। अगर आप गुजरात गए कभी गर्मियों में और आपको आमरस ना मिले खाने को, ऐसा हो नहीं सकता। अगर गर्मी में खाना खाने का मूड नहीं कर रहा है, आमरस बनाइए, उसके साथ गर्मा गर्म पूरियां या कचौरियां तलिए या नमक के पराठे बना लीजिए, जबरदस्त मजा आने वाला है आपको। ये देखिए, हमने आधा पल्प अपना मिक्सिंग जार में डाल लिया है। अब हम इसको करेंगे चीनी डाल के ग्राइंड। चीनी हमें पिसी भी यूज करनी है, मोटे दाने वाली चीनी हम यूज नहीं करेंगे। अपने आम के मिठास के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीनी यूज करेंगे कि आम हमारा कितना मीठा है और कितनी चीनी की रिक्वायरमेंट है। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड, और ग्राइंड करने के बाद हम इसका बनाएंगे एक स्मूथ सा पेस्ट। और जैसे ही हम इसको ग्राइंड करके स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे, आमरस हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसके अंदर फ्लेवर के लिए मैंगो फ्लेवर एसेंस डालिए या इलायची पाउडर डालिए, जो आपका फ्लेवर डालने का दिल करे वो डाल सकते हैं। वैसे तो मैं कोई फ्लेवर ऐड नहीं करूँगी, बिल्कुल ये प्योर फ्लेवर रहने दूंगी आम का ही। ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, बस कचौरी या पराठे ज़रूर बनाइएगा इसके साथ नमक वाले। वाओ, क्या मज़ेदार बना है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिए, तभी मज़ा आएगा आपको भी। अब बचे हुए पल्प का हम बनाएंगे श्रीखंड। श्रीखंड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल के अंदर हंग कर्ड बना करके पहले ही रख रखा है। हंग कर्ड आपको अगर नहीं बनाना आता है तो आप कोई भी नॉर्मल दही को कॉटन के कपड़े में लटका करके रख दीजिए, आपका हंग कर्ड घर में रेडी हो जाएगा। या अगर आपके घर में बारीक सी छलनी हो, प्लास्टिक की जो आती है बिल्कुल बारीक वाइट कलर की छलनी, उसके अंदर भी आप इसको रखेंगे ना, बिल्कुल परफेक्ट सा आपका हंकर तैयार हो जाएगा। हंकर को हमें अच्छी तरीके से पहले मिक्स करना है, फिर इसके अंदर हमें जो बचा हुआ पल्प था उसका पेस्ट बना करके ऐड करना है। मैंने यहाँ 500 ग्राम दही का हंकर बनाया है और तकरीबन 5 से 6 आमों के पल्प यूज करे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने पल्प यूज कर लिया है, पल्प को ऐड कर दिया है, हम करेंगे इनको अच्छे से मिक्स। दोनों को इतनी अच्छी मिक्सिंग करनी है, बिल्कुल एक क्रीम सा टेक्सचर आए इसके अंदर, इतना मिक्स करना है। वैसे तो आप इसको चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। अगर आपने हैंड विस्कर का यूज़ करा तो आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा और स्मूथ सा बिल्कुल पेस्ट आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। साथ में हम इसके ऐड करेंगे चीनी पिसी हुई। इसमें भी हमें मोटी दाने वाली चीनी यूज़ नहीं करनी है, पिसी हुई चीनी यूज़ करनी है। अपने आम की मिठास के अकॉर्डिंग और दही की खटास के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चीनी यूज़ करिए। क्योंकि मेरी दही बिल्कुल फ्रेश थी तो इसमें बिल्कुल भी खटास नहीं थी, और यहाँ पर हमारे आम भी अच्छे खासे मीठे थे, तो मैंने तकरीबन 3 चम्मच ही यहाँ पर पिसी हुई चीनी का यूज़ करा है। अब हम करेंगे इसको अच्छी तरीके से विस्क। जितना अच्छा आप इसको विस्क करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी श्रीखंड बनके तैयार होगी, और इतना गाढ़ा पेस्ट बनता है ना वो कि मज़ा आ जाता है। और जब आप इसको खाते हैं एक क्रीम सा टेक्स्चर आता है, मैंगो का फ्लेवर, ओफ, ये श्रीखंड खा के देखिए एक दफ़ा बना करके, आपको मज़ा आ जाएगा।
अब अगर इन गर्मियों में आपका खाना खाने का मूड नहीं कर रहा है और आपके बच्चे खाना खाने नहीं मांग रहे हैं या घर के कोई भी फर्द खाना खाने नहीं मांग रहा है, बनाइए ये श्रीखंड की रेसिपी और ये आमरस की रेसिपी और बनाइए इनके साथ गर्मा गर्म पूरियाँ या कचौरियाँ या गर्म लच्छेदार नमक के पराठे और सर्व करिए। देखिए कौन नहीं खाता है खाना। तो क्या कहते हैं, इस गर्मी ये रेसिपीज ट्राई कर रहे हैं ना, आ रहे हैं आगे फेस्टिव सीजन, अगर उसमें आपने सिवैयों और मिठाइयों के साथ साथ सर्व कराइए ठंडा ठंडा श्रीखंड और ठंडे ठंडे आमरस की रेसिपी, तो आपके गेस्ट भी आपकी तारीफ करे बगैर बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे और आपके दावतों के मेन्यू में चार चांद भी लगा देंगे। तो ट्राई जरूर करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी इसको जरूर शेयर करें ताकि सभी इसका लुत्फ उठा सके। चलिए भाई, अब हमारी तो दोनों रेसिपीज हो गई हैं बिल्कुल रेडी, हम अब इसको करेंगे अच्छी तरीके से सर्व। सर्विंग के लिए हमने यहाँ पर दो प्यारे प्यारे से बोल में इसको ट्रांसफर करा है और इसको करेंगे हम अब डेकोरेट। अब हम इन दोनों को डेकोरेट कैसे करें ये भी है कि अगर हमने दावतों में रखा तो इसको डेकोरेशन किस तरह से करनी है, तो हम इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे सैफ्रन और हम इस्तेमाल करेंगे पिस्तों को अच्छी तरीके से ग्रेट करके। पिस्ते जो कि ग्रीन कलर के होते हैं येलो कलर पे बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे और सैफ्रन का कलर भी ऑरेंज कलर, डार्क ऑरेंज कलर होता है, बहुत ही प्यारा लगेगा। तो बढ़ गया ना इनका डेकोरेशन का भी लुक, तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। रेसिपी पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है, फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई इजी रेसिपीज के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में बहुत 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 याद रखें। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर आमरस एंड श्रीखंड की रेसिपी।